सो गाइज वेलकम टू योर चैनल रैसल वर्ल्ड। तो गाइज रोमन रिंग्स को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, उनकी पॉपुलरिटी यहाँ के जो सुपरस्टार है ग्रेट कलियन जिंदर मॉल से काफ़ी ज़्यादा ही है और इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्यार किया जाता है रोमन रिंग्स को। और आज हम रोमन रिंग्स के बारे में ऐसे 50 के फैक्ट्स जानने वाले हैं जो कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। तो गाइज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन इसमें आपको ऐसी बात पता चलेगी जो कि आप पहले से नहीं भी जानते होंगे। वन की बात करें तो गाइज रोमन रिंग्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफ़ी बड़े रेसलर है लेकिन वो रियल लाइफ में भी काफ़ी बड़े फाइटर भी है। गाइज उन्होंने लुकेमिया को दो बार हराया है। गाइज लुकेमिया एक बहुत ही खतरनाक कैंसर होता है जिसे कि रोमन रिंग्स ने दो बार हराया है। रिसेंटली 2018 में उन्हें लुकेमिया हुआ था जो कि आप सबको याद ही होगा, जहाँ पे वो अपना टाइटल छोड़ के भी चले गए थे और उन्होंने बस 4 महीना में लुकेमिया को हरा के फरवरी में अपना रिटर्न भी किया था। अगर इससे पहले 22 साल की जब उम्र हो रही थी रोमन रिंग्स को, उस समय भी उन्हें लुकेमिया हुआ था और उस समय उन्होंने बीट भी किया था लुकेमिया को। नंबर 2 की बात करें तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले रोमन रिंग्स एक जॉब किया करते थे जो कि उनका जॉब था दूसरे के ऑफिस में जाके फर्नीचर ये सब इंस्टॉल करने का। अगर ये जॉब वो अपने बहन के ऑफिस में ही किया करते थे और उनके वहाँ पे पार्टनर थे जो कि उनके अभी पार्टनर है जे उसोस एंड जिमी उसोस जो कि उनके कजन्स भी है। नंबर 3 की बात करें तो गाइस रोमन रिंग्स को सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था 2014 के अंदर और रोमन रिंग्स ने जब ये अवार्ड जीती थी उस समय उनकी उम्र बहुत ही कम हो रही थी और वो यंगेस्ट सुपरस्टार है सुपरस्टार ऑफ द ईयर जीतने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में। नंबर 4 की बात करें तो रॉक इज नॉट हिज रियल कजन। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा इस टाइप से हमें दिखाते हैं कि रॉक एंड रोमन रिंग्स हम रियल कजन थे लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, वो दोनों कोई रियल कजन्स नहीं है। वो दोनों कजन्स तो लेकिन काफ़ी दूर के रिश्तेदारी है दोनों के बीच में, वो लोग कोई रियल कजन्स नहीं है। नंबर 5 हाईएस्ट रेटेड मैच। तो गाइज आज तक जो रोमन रिंग्स के इतने मैचेस हुए कोई भी उन्होंने 5-स्टार मैच डिलीवर नहीं किया है और उनके जो हाईएस्ट रेटेड मैच थी वो थे समर स्लैम 2017 के मैच जहाँ पे वो एक बैटल फोर में मैच मिले थे ब्रॉक लेजनर ब्रॉन स्ट्रोमैन और समोआ जो के साथ और उस मैच को रेटिंग मिली थी 4.75 स्टार। नंबर 6 की बात करें तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसी कोई भी चैंपियनशिप नहीं है जिन्हें कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रिंग्स ने जिन्हें जीता हो। अगर इस रोमन रिंग्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हर एक चैंपियनशिप इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप वर्सल चैंपियनशिप टैग टीम चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप सारी चैंपियनशिप वो जीत के रखे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन है जो कि काफ़ी कम रेसलर बन भी पाते हैं। नंबर 7 तो कहीं जब शील्ड टीम बन रही थी वो समय नेक्स्ट सारे सुपरस्टार को ले जाया जा रहा था और कैसे वहाँ पे सीएम पंक का आइडिया था कि सील्ड का टीम बन के आए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और कैसे सीएम पंक डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस को चाहते थे सील्ड के अंदर लेकिन वो रोमन रिंग्स को नहीं चाहते थे। कैसे विंस मैकमैन चाहते थे रोमन रिंग्स को और उन्होंने विंस मैकमैन ने रोमन रिंग्स को डाला भी है टीम के अंदर, फिर रोमन रिंग्स आए और वहाँ पे रोमर्स नहीं आते तो काफ़ी दिक्कत भी आती, तब शायद इतनी बड़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई सक्सेसफुल भी नहीं बन पाती और सील्ड इतनी बड़ी फैक्शन तो कहीं बनी नहीं पाती रोमन रिंग्स के बिना। नंबर 8 की बात करें तो गाइस करेंटली रोमन रिंग्स एक हील सुपरस्टार है। अगर वो हील के लिए अब विंस मैकमैन ने खुद से ही बोले थे जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 2 टाइप के रेसलर होते हैं, एक फेस होते हैं एक हील होते हैं। अगर रोमन रिंग्स खुद से हील बनना चाहते थे और उन्होंने खुद से रिक्वेस्ट की थी विंस मैकमैन को। सो गाइस नंबर 5 की बात करें तो गाइस रोमन रिंग्स काफ़ी तगड़े रेसलर है लेकिन गाइस उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एडम कॉल एंड डैनियल सैंडहाउस जो कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं करते रेसल, वो पहले रेसल क्या करते थे जो कि एक जॉबर से वह करते थे, वो दोनों ने उन्हें पिन करके रखा है जो कि एक काफ़ी शर्मनाक बात है रोमन रिंग्स के लिए। नंबर 10 की बात करें तो गाइस रोमन रिंग्स जिन्होंने जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपना डेब्यू किया था वो समय से एक फेस रेसलर थे लेकिन गाइस वो जब एनएक्सटी के अंदर रेसल किया करते थे वो समय एक हील ही रेसलर हुआ करते थे। नंबर 11 की बात करें तो गाइस रोमन रिंग्स का जो पहला मैच था जो कि उन्होंने रेसल किया था टीएलसी के अंदर टीएलसी 2012 में अपने पार्टनर डीन एम्ब्रोज एंड सेथ रॉलिंस के साथ राइबैक को टीम को, तो गाइज वही मैच में उन्हें मिले थे 4.5 स्टार और गाइज उन्होंने अपने पहले ही मैच में 4.5 स्टार लेके आए भी थे। नंबर 12 की बात करें तो गाइज रोमन रिंग्स ने बताया उनका जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिस्ट्री का जो उनका फेवरेट मैच है वो उनका मैच है इस बिग शो के साथ जो कि हुआ था एक्सट्रीम रूल्स 2015 में। सो गाइज नंबर 13 की बात करें तो रोमन रिंग्स की शादी हो चुकी है और उनके वाइफ का नाम जेलिना वेगा भी है। नंबर 14 तो गाइस जब रोमन रिंग्स से शादी हुई थी 2014 में उस समय उनकी शादी को उनके खुद के डाउटर ने भी अटेंड किया था। अरे ये ऐसा बात है जिसके चलते डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रिंग्स अपने पर्सनल लाइफ के लिए जाते बात भी नहीं करना चाहते हैं। नंबर 15 की बात करें तो गाइस रोमन रिंग्स की जब शादी हुई थी 2014 में वो समय वो एक प्राइवेट आइलैंड के अंदर हुई थी और बहुत ही कम लोग वहाँ पर भी आए थे, उनका कोई शादी सेलिब्रिटी टाइप नहीं हुआ था, वो बहुत ही सीक्रेटली शादी भी किए थे और काफ़ी कम लोग वहाँ पर अलाउड भी थे। नंबर 16 की बात करें तो
तो गाइस रोमन रेंस के पांच पांच चिल्ड्रेन है, अगर इसमें से एक उनके डॉटर है, उनके दो दो जुड़वा बच्चे भी है। जी हाँ दोस्तों, किसी की नहीं कि एक जुड़वा बच्चे आते तो वो काफी यूनिक बात होती है, लेकिन रोमन रेंस के दो दो जुड़वा बच्चे भी है जो काफी ज्यादा ही यूनिक बात है। नंबर सिक्स की, नंबर सेवनटीन की बात की जाए तो गाइस WWE माने से पहले वो फुटबॉल खेला करते थे और वो काफी ज्यादा फुटबॉल में फेमस भी थे। नंबर 18 की बात की जाए तो ही आर अरेस्टेड बैक इन 2010। तो गाइस रोमन रेंस अब 2010 में एक बार अरेस्ट भी हो चुके हैं और वो जेल भी जा चुके हैं। अगर उन्हें जेल हुई थी 2010 में क्योंकि वो काफी ड्रंक थे और वो फाइट कर रहे थे पब्लिक के अंदर। अगर इसी के चलते वहाँ पे उन्हें पुलिस आई थी और उन्हें जेल भी लेके चली गई थी, लेकिन गाइस बाद में उन्हें फाइन दे के जेल से छुटा लिया गया था। नंबर 19 की बात करें तो गाइस रोमन रेंस ने आज तक WWE के अलावा कोई भी कंपनी के अंदर फाइट नहीं किया है। तो गाइस जैसे कि सेट रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस जितने भी सुपरस्टार थे वो दूसरे कंपनी के अंदर ही फाइट कर चुके थे, जैसे कि सेट रॉलिंस ने ROH के अंदर की थी। ऐसे काफी सारे रेसलर थे जो कि पहले दूसरे रेसलिंग प्रमोशन के अंदर फाइट किया करते हैं, लेकिन गाइस रोमन रेंस का पहला रेसलिंग प्रमोशन ही WWE था और WWE के अंदर उन्होंने अपना पहला कदम रखा था रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर। और उन्होंने सबसे पहले वे WWE जहाँ पे जो NXT से पहले उनका FCW नाम हुआ करता, तो वहाँ पे स्टार्ट किया था उन्होंने अपना रेसलिंग कैरियर। सो गाइज नंबर 20 की बात करें तो गाइज जितने भी टैटू हमें देखने को मिलते हैं रोमन रेंस के शरीर के ऊपर, वो सब उनके समोआ फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, उन्हीं के फैमिली का स्टोरी भी बताता है। और आप देखते होंगे जितने भी समोआन फैमिली से ज़्यादातर लोग के वहाँ पर सही टैटू रहते भी है। नंबर 21 की बात करें तो गाइज रोमन रेंस के अंदर आपको कितने भी टैटू देखने को मिलते हैं, वो सब गाइज टैटू बनवाने में करीब करीब 17 घंटे लगे हुए थे। अगर 17 घंटे के बाद उनके टैटू बन भी पाए थे। नंबर 22, तो गाइज रोमन रेंस के राइट हैंड में एक टर्टल यानी कि कछुए का भी उन्होंने टैटू बनवा कर रखा है, और वो टैटू उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी बनाया है जिनका नाम जोजो भी है। नंबर 23 की बात की जाए तो गाइस रोमन रेंस जो सबसे ज़्यादा जिसको प्यार करते हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, वो है उनके डॉटर जो कि उनके इकलौती डॉटर भी है और उनका नाम है जोजो, और उन्हें सबसे ज़्यादा रोमन रेंस प्यार भी किया करते हैं। नंबर 24, तो गाइस रोमन रेंस जब हाई स्कूल में थे तो वो सब वो काफ़ी ज़्यादा फुटबॉल भी खेला करते थे और फुटबॉल में काफ़ी अच्छे चैंपियन भी थे, और उनके टीम में उनके साथ जे उसो और जिमी उसो जो कि उनके कज़न है वो भी खेला भी करते थे। नंबर 25 की बात करें तो रोमन रेंस हमेशा कोई भी अपने उनके बड़े मैच होते हैं जैसे रेसलमेनिया, समर स्लैम के अंदर, वो समय वो अपने बेटी को जरूर से लेके जाते हैं और अपने बेटी के साथ ही बैकस्टेज रहा करते हैं ज़्यादा टाइम अपने कोई बड़े मैचेस से पहले। नंबर 26 की बात करें तो गाइस विंस मैकमैन जो कि WWE के चेयरमैन है और उनके फेवरेट रोमन रेंस है। नंबर 27 की बात करें तो गाइस 2014 के अंदर सर्वाइवर सीरीज के अंदर रोमन रेंस ने एक रिकॉर्ड बनाया था जो कि उनके रिकॉर्ड अभी भी है, जो कि उन्होंने एक सिंगल सर्वाइवर सीरीज ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच के अंदर जिसमें 5-on-5 मैच बताया, उसमें 4 सुपरस्टार को उन्होंने अकेले ही एलिमिनेट किया था। गाइस बाद में जाकर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने रिकॉर्ड टाइट तो कर दिया, लेकिन अभी रिकॉर्ड टूटा नहीं है। नंबर 28 की बात की जाए तो गाइस रोमन रेंस ने अपने कैरियर के अंदर जितने भी रॉयल नंबर पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने हर एक रॉयल नंबर पर टॉप 3 में रहे ही है। गाइस उसमें से एक रॉयल नंबर जो कि 2015 में हुआ था, उन्होंने वहाँ पे जीत भी हासिल कर ली थी। नंबर 29 की बात की जाए तो गाइस रोमन रेंस ऐसे WWE के पूरे इतिहास के अंदर इकलौते सुपरस्टार है जिन्होंने अपना जो कि टाइटल था WWE चैंपियनशिप 2016 में उन्होंने डिफेंड किया था रॉयल नंबर मैच के अंदर। तो गाइस आप सबको याद ही होगा 2016 में रोमन रेंस ने अपना डिफेंड किया था रॉयल नंबर के अंदर चैंपियनशिप, और उसमें 29 अगेंस्ट सुपरस्टार के खिलाफ। हालांकि वहाँ पे हार गए थे क्योंकि वहाँ पे HHH आके एलिमिनेट कर गए थे रोमन रेंस को, लेकिन वो ऐसा इकलौते सुपरस्टार बने जो कि रॉयल नंबर जैसा इवेंट पर अपना टाइटल डिफेंड किए थे। नंबर 30 की बात करें तो गाइस रोमन रेंस ने काफ़ी सारे मैच रेसल किया रेसलमेनिया के अंदर। अगर रेसलमेनिया के अंदर उनका रिकॉर्ड आज तक उन्होंने 7 रेसलमेनिया के अंदर फाइट किया जिसमें 5 में से उनकी जीत हासिल हुई है और 2 में उनको हार का सामना भी करना पड़ा है। नंबर 31 की बात करें तो गाइस रोमन रेंस काफ़ी बड़े रेसलर हैं। गाइस उन्होंने रेसलमेनिया जो कि WWE का सबसे बड़ा इवेंट होता है, उन्होंने लगातार 4 साल रेसलमेनिया मेन इवेंट किया है जो कि काफ़ी बड़ी बात है, और यही बात रोमन रेंस को दूसरे रेसलर से अलग ही बनाती है। गाइस रेसलमेनिया 31 से लेकर रेसलमेनिया 34 तक उन्होंने मेन इवेंट भी किया था। 2015 से लेकर 2018 तक उन्होंने रेसलमेनिया मेन इवेंट भी किया था। नंबर 32 की बात करें
तो गाइज ब्रॉक लेजनर रोमन रेंस के बिगेस्ट राइवल रहे हैं अब तक के। तो गाइज रोमन रेंस ने काफी सारे रेसलर के साथ दुश्मनी की है, लेकिन अब तक जो उनका सबसे खतरनाक फ्यूड चली हुआ है ब्रॉक लेजनर ही है। और गाइज ब्रॉक लेजनर को पहली बार रोमन रेंस ने 31 रेसलमेनिया में मेन इवेंट पे फेस किया था। और गाइज दूसरी बार उन्होंने फिर से रेसलमेनिया 34 के मेन इवेंट पर उन्हें फेस भी किया था। अब बाद में जाके हमने फिर से सऊदी अरेबिया के शो में भी देखा था उन दोनों का मैच, लेकिन फाइनली 2018 के समर स्लैम में जाके रोमन रेंस ने हरा दिया था ब्रॉक लेजनर को। 33 की बात करें तो गाइज रोमन रेंस गिनी चुने ऐसे रेसलर्स में से है, और ऐसे सिर्फ चार ही रेसलर बने WWE के अंदर जिन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप दोनों ही जीती है, और रोमन रेंस ने यह काम भी करके रखा है WWE में। नंबर 34 की बात करें तो गाइज मेके विश एक चीज़ होती है जहाँ पे कैंसर से पीड़ित आदमी लोग को वहाँ पे विश पूरे की जाती है, और उन्होंने रोमन रेंस ने भी काफ़ी सारे ऐसे मेक एम विश पूरे भी किए हैं। अगर ये सब में काफ़ी ज़्यादा डोनेट भी किया करते हैं और काफ़ी ज़्यादा विश वो पूरा भी किया करते हैं। नंबर 35 की बात करें तो गाइस रोमन रेंस के पिता भी WWE के अंदर काफ़ी रेसल किया करते थे, और उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप ये सब भी जीती थी WWE के अंदर। नंबर 36 की बात करें तो कई WWE के अंदर हमें भले जैसे कि बेस्ट फ्रेंड के अंदर रोमन रेंस डीन एम्ब्रोस सेट वाले दिखते हैं, लेकिन उनके जो रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड है WWE बैकस्टेज के अंदर वो प्रिंस डोमिन ही है। नंबर 37 की बात करें तो गाइस रोमन रेंस ने काफ़ी सारे मैच रेसल किया WWE के अंदर, अगर काफ़ी सारे मैच उनकी हार भी हुई है जिसमें उन्होंने पिन हुए हैं, वो लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच में भी हार चुके हैं, वो बहुत तरह से हारे थे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई मैच में क्यूट नहीं किया और कोई मैच में उन्होंने सबमिट नहीं किया है। अगर उनके कैरियर के अंदर आज तक एक भी ऐसा मैच नहीं रहा जिसमें रोमन रेंस ने सबमिट भी किया हो। 38 की बात करें तो गाइज एक समय की बात है, यह बात है 2016-17 के पास, जहाँ पे सारे लोग बस से दूसरे शहर पे जा रहे थे रॉक के एपिसोड के लिए। गाइज वहीं पे एवं दोनों एंजॉय मॉरिस और रोमन रेंस के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी, और रोमन रेंस ने एक लात मार के निकाल दिया था एंजॉय मॉरिस को वहाँ बस से। गाइज वहाँ पे एंजॉय मॉरिस कुछ कर भी नहीं पाए थे क्योंकि रोमन रेंस काफ़ी तगड़े भी है। नंबर 39 की बात करें तो गाइस लॉकर रूम लीडर होते हैं एक WWE के अंदर, जहाँ पे कितने बैकस्टेज सुपरस्टार रहते हैं सबको वही संभाला भी करते हैं। अगर इस रोमन रेंस करंटली लॉकर रूम लीडर भी है। नंबर 40 की बात करें तो गाइस कार्ल एंडरसन जो कि पहले WWE के अंदर असल क्या करते थे, हालांकि उन्हें फायर भी कर दिया गया, लेकिन गाइस रिसेंटली उन्होंने बताया कि आज रोमन रेंस ने लॉकर रूम का माहौल काफ़ी अच्छा बना के रखते हैं, और गाइस वो एक बेस्ट लीडर भी है। और उन्होंने ये भी कहा था पहले मैं WWE के अंदर असल क्या करता था, मुझे बैकस्टेज का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आजकल रोमन रेंस काफ़ी ज़्यादा माहौल अच्छा बना के भी रखते हैं। अगर खुद से रेसलर्स भी कहते हैं कि रोमन रेंस अब तक के बेस्ट लॉकर रूम लीडर भी है। नंबर 41 की बात करें तो गाइज अभी 2020 के अंदर रोमन रेंस हाईएस्ट पेड फुल टाइम रेसलर भी है, और वो WWE से अभी करीब $5 मिलियन पर ईयर लेते हैं। नंबर 42 की बात करें तो गाइज रोमन रेंस WWE के अंदर वन ऑफ द मोस्ट हेटेड रेसलर में से भी एक है। अगर जो उन्हें पहले काफ़ी ज़्यादा बू मिला करती थी, आप सबको याद ही होगा रेसलमेनिया 33 के बाद जो रॉ पे उन्हें बू मिली थी, उन्हें हमेशा बू भी मिलती थी, हालांकि एशियन कंट्रीज के फैन काफ़ी उन्हें पसंद करते थे, लेकिन अमेरिकन फैन रोमन रेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अगर जो वो WWE के अंदर मोस्ट हेटेड रेसलर में से भी एक है। नंबर 43 की बात करें तो गाइज रोमन रेंस ने से जब पूछा गया था कि आपकी बेस्ट मोमेंट कब रही है WWE के अंदर, तो उन्होंने बताया था रेसलमेनिया 33 के बाद जो रॉ हुआ था वो वहाँ पे उनका बेस्ट मोमेंट था। हालांकि गाइज आप सबको याद होगा वहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा बू मिली थी, और फैंस अजीब अजीब चैंट कर रहे जैसे कि गो अवे गो फक यू रोमन, ये सब का चैंट चल रहा था, लेकिन गाइज रोमन रेंस ने बताया कि वहाँ पे उनका वो बेस्ट मोमेंट था क्योंकि वहाँ पे उन्हें अपना कैरेक्टर जो इतने सारे लोगों के सामने प्ले करना थे काफ़ी बड़ी बात थी, और मैंने अच्छे से भी प्ले भी किया था। नंबर 44 की बात करें तो गाइस रेसलमेनिया में रोमन रेंस ने काफ़ी ज़्यादा जीत भी हासिल की है, और गाइस रेसलमेनिया 31 लेकिन यहाँ पे ऐसा इवेंट था जहाँ पे रोमन रेंस की हार हो गई थी, आप याद होगा जहाँ ब्रॉक लेजनर के साथ उनका मैच हुआ था। गाइस वो समय सबका प्लान यही था कि रोमन रेंस को जिताया जाए, लेकिन गाइस वहाँ पे अचानक से WWE ने प्लान में चेंज कर दिया था, हमने देखा था सेट रॉलिंस आके अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके जीत गए थे WWE चैंपियनशिप। गाइस ये मैच के बारे में किसी को भी नहीं पता था क्या रिजल्ट्स होने वाला है। गाइस रोमन रेंस के फादर ये सबको कहा गया था कि रोमन रेंस न्यू चैंपियन भी बनने वाले हैं, लेकिन गाइस लास्ट मिनट के अंदर ये चेंज भी हुआ था, और इससे काफ़ी नाराज भी हुए थे रोमन रेंस भी और उनके डैड भी। नंबर 45 की बात करें तो गाइस रोमन रेंस ने बताया कि उनके जो आइडल थे जिन्हें वो देखते WWE के अंदर उनके फेवरेट जो भी थे, और रोमन रेंस ने अपना आइडल बताया ब्रेट हार्ट को, और ब्रेट हार्ट को काफ़ी पसंद भी किया करते थे, और ब्रेट हार्ट रोमन रेंस के आइडल भी थे।
46 की बात करें तो गाइस ट्रिपल एच जो कि WWE के अंदर CEO है गाइस वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं रोमन रिंग्स को, और अभी इसने जब वो NXT के अंदर थे तब से ही रोमन रिंग्स को ट्रिपल एच काफी ज्यादा पसंद भी किया करते थे। नंबर 47 की बात करें तो गाइस रोमन रिंग्स रिंग के अंदर काफी टफ है, उन्हें हराना काफी मुश्किल पड़ता है और वो काफी पिटाई भी करते हैं रेसलर्स के, लेकिन वो आउटसाइड WWE काफी अच्छे भी है। अगर जो सारे रेसलर्स अच्छे से बात करते हैं, सारे रेसलर्स को मैनेज भी करते हैं, अगर जो आउटसाइड WWE के काफी अच्छे फादर भी है और फैमिली को काफी अच्छे से देखते भी है। नंबर 48 की बात करें तो गाइस 2016 में WWE के अंदर रोमन रिंग्स में फेल हो गए थे ड्रग टेस्ट। तो गाइस ड्रग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जहां पे रेसलर्स को टेस्ट पास करना ही पड़ता है, अगर वो फेल कर जाता है तो उन्हें WWE से सस्पेंड भी किया जाता है, अगर वो दो बार ज्यादा फेल हो गया तो WWE के लिए उन्हें हमेशा से निकाल दिया जाता है WWE से। अगर 2016 में वो ड्रग टेस्ट में फेल भी हुए थे, लेकिन गाइस किस्मत से वहां पे रोमन रिंग्स को WWE से हमेशा के लिए फायर नहीं किया गया, उन्हें बस 30 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था। अगर इसके बाद रोमन रिंग्स ने अपनी माफी भी मांगी थी अपनी गलती मान के। नंबर 49 की बात करें तो गाइस रोमन रिंग्स ने अब तक कई रेसलर्स को हराया है, लेकिन गाइस रोमन रिंग्स को जो अभी तक कैरियर के अंदर जो सबसे बड़ी जीत थी वो थी रेसलमेनिया 33 के अंदर, और उन्होंने हराया था रेसलमेनिया 33 के अंदर अंडरटेकर को, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। अगर इस अंडरटेकर ने काफ़ी सारे मैच हासिल किए हैं, लेकिन रेसलमेनिया के अंदर उनका स्ट्रीक भी था 21-0 का, जिसमें 21 साल तक वो रेसलमेनिया के अंदर अनडिफीटेड भी रहे थे। और गाइस दो ही रेसलर उन्हें हरा पाए रेसलमेनिया के अंदर, पहले थे ब्रॉक लेजनर और दूसरे हैं रोमन रिंग्स, और ये काफ़ी बड़ी बात है रोमन रिंग्स के लिए भी। नंबर 50 की बात करें तो गाइस रोमन रिंग्स ने अपने एक मूवी में भी काम कर चुके हैं, और वो मूवी थी फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शो, और गाइस वो काफ़ी खतरनाक मूवी थी और काफ़ी ज़्यादा हिट भी वो मूवी हुई थी, और उसमें रोमन रिंग्स का कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था सबको, और रोमन रिंग्स भी अब आगे जाके मूवी में भी काम कर सकते हैं। और शायद जैसे कि WWE जाते सुपरस्टार रॉक जॉन सीना WWE में फाइट करने के बाद वो चल रहा था हॉलीवुड के अंदर, तो फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रिंग्स WWE छोड़ के हॉलीवुड में भी चल जाए। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, गाइस वीडियो पसंद आया वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।